इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात से जेल में पूछताछ की जा रही है, घंटों पूछताछ की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी जफर हयात से जेल में पूछताछ की जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम लगातार जफर हयात से पूछताछ कर रही है, कोर्ट से इजाजत लेकर दरअसल हयात से पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, सवाल दरअसल उन फंडिंग्स को लेकर भी है जो 3 करोड़ से ज्यादा फंड हयात के अकाउंट में आए। इसके अलावा सवाल इस पूरे हिंसा को लेकर है, उस व्हाट्सएप चैट्स को लेकर है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाए गए थे, उसमें हिंदू विरोधी बातें क्यों की गई थी, कितने दिन से इस हिंसा का प्लान बनाया जा रहा था। सवाल एक और पूछा जाएगा कि पुलिस ने जब उस बंद को लेकर सवाल पूछा था तो जफर हयात ने गुमराह क्यों किया था। ये वो तमाम सवाल है जो पुलिस पूछेगी, और ऐसे में इजाजत लेकर कोर्ट से पुलिस इस पूछताछ को आगे बढ़ाएगी। कहा जा रहा है कि इससे कई सारी लीड्स जो हैं वो कानपुर पुलिस को मिल सकती है, क्योंकि सवाल सभी के जहन में है, कितने दिन से प्लानिंग की जा रही थी, क्या प्लानिंग थी, कैसे प्लानिंग की गई, इसके पीछे कौन कौन है, ये तमाम बड़े सवाल आते हैं। क्योंकि आप देखिए इसके लिंक पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आए, इसके फंडिंग के तार विदेशों से जुड़ते हुए नजर आए। अनुज हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी, कौन से सवाल खास तौर पर होंगे एसआईटी के जहन में जिस पर जोर देकर हयात से पूछताछ की जानी? जी देखिए, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एसआईटी की टीम जो है वो जेल में पहुंची थी, और एसआईटी की टीम ने घंटों तक हयात से इस बाबत जो है पूछताछ की है। जाहिर तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जैसे कि इस साजिश को किन किन लोगों ने अंजाम दिया, वो कौन कौन लोग थे जो मुख्य रूप से इसकी भूमिका में रहे हैं, साथ ही साथ साजिश को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम तरीके से पत्थर इकट्ठा किए गए थे, पेट्रोल बम लाए गए थे, तो क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी, अगर साजिश थी तो लोगों को किस तरीके से इकट्ठा किया गया, उन्हें क्या लालच दिया गया, ये तमाम सवाल हैं। साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं और बैंक अकाउंट में जो फंडिंग हुई है उससे संबंधित भी कई सवाल जो हैं वो एसआईटी की टीम ने पूछा है, जिसका जवाब एसआईटी की टीम हासिल करना चाह रही है। जाहिर पर जिस तरीके से पीएफआई कनेक्शन सामने आया है और जो 3 PFI के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं जिनका सीधा सीधा हीट स्क्वाड से संपर्क बताया जा रहा है, ऐसे में उनसे किस तरीके से ये जुड़ा हुआ था, ये तमाम सवाल जो है उसको लेकर एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। तो जाहिर तौर पर लगातार पूछताछ की जा रही है, आज रिमांड पर लेने की कवायद भी जो है वो एसआईटी की तरफ से की जा रही है, कल भी कोशिश की गई थी लेकिन कल कुछ दस्तावेज में तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से रिमांड नहीं मिल पाया, और इसी वजह से कोर्ट से परमिशन के बाद एसआईटी की टीम जो है वो जेल पहुंची और उसके बाद हयात से पूछताछ शुरू की गई। जी ठीक है अनुज, आप नजर बना रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, प्रीति हमारी सहयोगी मौजूद है। प्रीति, क्या बड़ी खबर है वहां से? बिल्कुल अनुराग, इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर के डीएम जी विशाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, विशेष तौर पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है क्योंकि कल जुम्मे की नमाज होनी है, और ऐसे में माहौल खराब ना हो, क्योंकि कानपुर से जो तस्वीरें सामने आई पूरे हिंदुस्तान ने देखी, और ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये प्री प्लानिंग कब से की जा रही थी, माहौल क्यों कानपुर का खराब किया जा रहा है। ऐसे में डीएम का जो बयान वो आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। डीएम ने बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पहले से मुस्तैद है। कानपुर के नए डीएम विशाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जुम्मे की नमाज है और लगातार ये अलर्ट है, उसको लेकर आप लोगों ने किस तरीके से इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि एक हफ्ता पूरा हो जाएगा और कल शुक्रवार का दिन भी है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से लगातार जो शहर में शांति व्यवस्था का एक वातावरण स्थापित करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है, लोगों के साथ बातचीत किया जा रहा है, और क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके जो संवेदनशील स्थान है उसमें भी रह करके एक शांति व्यवस्था कायम करने का कार्रवाई किया जा रहा है, और कल भी कल के आयोजनों के लिए भी पूरा तैयारी है। आज भी हम लोग जो संवाद की जो कड़ी आगे बढ़ाते हुए आज भी एक बैठक शाम को आयोजित की गई है, और निश्चित रूप से ये विश्वास है कि कल के आयोजन भी सफलतापूर्वक उसका आयोजन हो जाएगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगा। अच्छा सर, एक बात सामने आ रही है कि जो हाशमी था वो लगातार पुलिस के संपर्क में था लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने गंभीरता नहीं लिया, तो क्या आप उन पुलिस वालों पर भी एक्शन लेंगे या उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार चूक कहाँ हो गई? देखिए, जो विभिन्न बिंदु हैं उसके संबंध में निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है, और जांच में और विवेचना में जो पहलू निकल के आ रही है उसके तहत जो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होना है वो समयबद्ध रूप में सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने क्या आपको ये शेयर किया सर कि जिस तरीके से फंडिंग की बात सामने आ रही है या पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आ रही है? देखिए, जो जो चीज़ें जो विवेचना में निकल के आएगी
व्हेन द टाइम इज राइट वो संबंधित एजेंसीज या संबंधित जो विवेचना के जो इंचार्ज है उनके द्वारा मीडिया आउटलेट्स को भी आप लोगों को भी निश्चित रूप से उसको शेयर किया जाए।